मऊ से खबर है जहां बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के करीबियों में शुमार गणेश दत्त मिश्र के यहां बीते 18 अगस्त की सुबह ईडी की छापेमारी हुई थी, जिसमें प्रॉपर्टी डीलर व्यवसायी गणेश दत्त मिश्र ने साक्षात किया हमारे जो सहयोगी थे उन्होंने, और उन्होंने बताया है कि ये गलत तरीके से उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और ईडी उनको घेर रही है। उन्होंने बताया कि मुख्तार अंसारी या उनके परिवार से कोई ताल्लुक नहीं है उनका, मुख्तार अंसारी से कोई व्यवसायिक साझेदारी भी उनकी उस तरह से नहीं है। उन्होंने ये बताया कि एक वोटर के नाते उनका उनसे संबंध ज़रूर है, क्योंकि उनके परिवार के लोग जिस तरीके से उनसे मिलते हैं ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसलिए उनकी एक वोटर के नाते उनसे ताल्लुकात हैं, इससे ज़्यादा नहीं। नमस्कार, मैं इकरार खान, आप देख रहे हैं कि आज हम एक ऐसी बात की चर्चा करेंगे जो इस इन दिनों गाजीपुर से लेकर दिल्ली तक बहुत जोरों शोर चर्चा में है, मीडिया में बहुत ही जबरदस्त तरीके से नाम चल रहा है। उसमें एक नाम गणेश दत्त मिश्र का भी आता है जो गाजीपुर से व्यवसाय के तौर पे माने जाते हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर में आपके यहाँ ईडी ने अगर छापा मारा तो क्यों मारा, क्या कारण था, और आपको मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जाता तो उसमें क्या कितनी सच्चाई है। सर, आपका के न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद सर, आप अपना पहले परिचय दे दीजिए। मैं गणेश दत्त मिश्रा हूँ, मेरा प्रॉपर्टी का काम है और पिछले 30 सालों से मेरा ये काम है, और 30 सालों से मैं जमीन खरीद फरोख्त में लगा हुआ हूँ, और हमारा 2-3 शहरों में काम है। और आप क्या जानना चाहते हैं? मैं किसान का भी बेटा हूँ। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि लोग आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आपका बहुत मुख्तार अंसारी के करीबी है, इसमें क्या सच्चाई है, क्या कारण है? रिश्तेदार तो है नहीं। नहीं, मेरे ये रिश्तेदार तो है नहीं, सुनिए, लेकिन करीबी का क्या मतलब है? ना उनके साथ किसी केस में मैं शामिल हूं कहीं भी, ना उनके साथ जमीन के खरीद फरोख्त में पार्टनर हूं कहीं, और क्या रिश्ता हो सकता है मेरा? एक रिश्ता बस और हो सकता है, जनता का और नेता का। उनका परिवार यहाँ 35 साल से, जब हम होश संभाले हैं तब से उनका परिवार विधायक या सांसद रहा है। मैं रहने वाला मोहम्मदाबाद तहसील का हूँ, तो इसलिए विधानसभा भी उनके जब बड़े भाई लड़ते थे उस समय से हमारे घर परिवार में आना जाना रहता था। हर क्षेत्र के बड़े आदमियों के यहाँ वो लोग जाते ही हैं, बस यही है रिश्ता। जैसे एक चीज और है, आप हमेशा कहते हैं मीडिया के सामने भी आपने 2-4 बार कहा है कि इस जो बीजेपी की सरकार है ये ब्राह्मण विरोधी है, इस पे क्या आपकी राय है? नितिन गडकरी तत्काल उदाहरण नहीं है क्या आपके पास? नितिन गडकरी से बड़ा नेता और कर्मठ नेता कौन है बता दीजिए? पूरे हिंदुस्तान में उनसे ज्यादा काम करने वाला नेता कौन है? उनको मक्खी की तरह निकालकर किनारे किया जा रहा है। उनके साथ शिवराज सिंह चौहान को भी निकाल दिया। शिवराज सिंह चौहान का तो पर्सनल वहां उनका कुछ मैटर होगा, लेकिन नितिन गडकरी तो ब्राह्मण थे इसलिए निकाला गया। आप बताइए कि किरकिरी हो रही है भाजपा के कि 18 प्रदेश में इनकी सरकार है, 18 प्रदेश में मुख्यमंत्री केवल ठाकुर है। नहीं, आपने भी कहा कि आप व्यवसायी हैं, प्रॉपर्टी के काम करते हैं, और आपके पूर्वांचल में जितने भी जिले हैं उसमें चाहे भाजपा के नेता हो, सपा के नेता हो, या बसपा के नेता हो, या जो भी इससे जुड़ा हो, आपका उनसे संबंध है प्रॉपर्टी के लिए, किस पे क्या है? ना, वो तो मेरा संबंध सबसे है, पूर्वांचल के कई जिलों में सभी नेताओं से, लगभग हर पार्टी के नेताओं से संबंध है, इसलिए कि जमीन के खरीद फरोख्त में एक ब्रांड है हमारा, लोग हमसे आके मिलते हैं बेचने के लिए भी, खरीदने के लिए भी। तो मुझे तो भाई किसी का भी प्लाट मिलेगा, अगर दाऊद का भी रिश्तेदार का प्लाट मिलेगा तो मैं बेचूंगा, अगर रेट से मेरे मिलेगा तो।